नमस्कार दोस्तों, चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं घटना चक्र के बारे में। तो इसमें बता दें आपको, राष्ट्रीय परिदृश्य देख रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने शुरू किया था भारत का नया राजनीतिक मानचित्र से, और हम लोगों ने लास्ट में खत्म किया था दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, अब इसमें बात करते हैं द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। इससे पहले आपको बता दें कि प्लेलिस्ट में एक सूची बनी हुई है घटना चक 2019 के नाम से, उसी में सभी लेक्चर पड़े हुए हैं आपके। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। 3 जुलाई 2019 को यूनेस्को नई दिल्ली द्वारा भारत में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति से संबंधित द 2019 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया चिल्ड्रन विद डिसबिलिटीज जारी की गई है। यह रिपोर्ट दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के अधिकार का संरक्षण करने हेतु देश में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों का लेखीकरण करती है। इस रिपोर्ट का विकासन वार्षिक आधार पर किया जाता है। यूनेस्को नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई अपनी तरह की यह पहली रिपोर्ट है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा तैयार एवं यूनेस्को नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त यह रिपोर्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के व्यापक शोध और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर व्यापक जानकारी प्रदान करने के प्रयासों पर आधारित है। वर्तमान स्थिति का विश्लेषण इंगित करता है कि 19 वर्ष से कम आयु के अनुमानित 7.8 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। 5 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों में से तीन चौथाई किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं जाते हैं। 5 से 19 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों में से एक चौथाई विद्यालय नहीं जाते हैं। रिपोर्ट दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की विशिष्ट समस्या को शामिल करते हुए दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के साथ बेहतर मिलान करने हेतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन करना, दिव्यांग बच्चों के सभी शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी साकेंद्रण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक समन्वय तंत्र स्थापित करना, दिव्यांग बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करने हेतु शिक्षा बजट में विशिष्ट और पर्याप्त वित्तीय आवंटन सुनिश्चित करना, नियोजन कार्यान्वयन और निगरानी हेतु डेटा प्रणालियों का सशक्तिकरण करना ताकि उन्हें मजबूत, विश्वसनीय और उपयोगी बनाया जा सके। विद्यालय परिस्थिति की प्रणालियों को समृद्ध बनाना और दिव्यांग बच्चों के समर्थन में सभी हितधारकों को शामिल करना। फ्रेस्टाइड योजना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसंधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्टाइड योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की पहचान, अनुसंधान संस्कृति को मजबूत बनाना, क्षमता निर्माण, नवाचार को बढ़ावा और भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्रीय विकास के लिए अनुसंधान में मदद करना। 1 जुलाई 2019 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए स्टाइड स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी नामक नई योजना का शुभारंभ किया गया। स्टाइड उन अनुसंधान परियोजनाओं की मदद करेगी जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक हों, स्थानीय रूप से जरूरत आधारित हों, राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक दृष्टि से अर्थपूर्ण हो।
इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य मानविकी और मानव विज्ञान में बहुसंस्थागत नेटवर्क उच्च प्रभाव अनुसंधान परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराना है। इस स्टाइड योजना के 3 घटक हैं। यह 1 करोड़ रुपए तक के अनुदान के लिए सभी विषयों के लिए खुला है। यह घटक 50 लाख से 1 करोड़ तक के अनुदानों के लिए सभी विषयों के लिए खुला है। इस घटक के अंतर्गत 3रे घटक के अंतर्गत एक उच्च शिक्षा संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए और बहुसंस्थागत नेटवर्क के लिए उपलब्ध अनुदान 5 करोड़ तक है। UGC द्वारा उपाध्यक्ष प्रोफेसर भूषण पटवर्धन की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित की गई। यह समिति इस योजना की पूरी देखरेख करेगी। अब बात करते हैं अगली शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक मंत्रालय द्वारा 1 पंचवर्षीय विजन योजना निर्मित किए जाने के क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा EQUIP नामक योजना की जारी की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा 1 पंचवर्षीय योजना शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशन कार्यक्रम एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन इंक्लूशन प्रोग्राम जारी किया गया। विशेषज्ञ द्वारा एक विस्तृत प्रक्रिया के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें 10 क्षेत्रों को शामिल किया गया। विशेषज्ञ समूहों ने उच्चतर शिक्षा क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को निर्धारित किया है। उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को दोगुना करना, शिक्षा की गुणवत्ता को वैश्विक मानदंडों तक उन्नयन करना, कम से कम 50 भारतीय संस्थानों को शीर्ष 1000 वैश्विक विश्वविद्यालयों में स्थान दिलाना, ज्ञान को सृजन के मामले में विश्व में 3 देशों में भारत को स्थापित करने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार प्रणालियों को बढ़ावा देना, उच्चतर शिक्षा प्राप्त छात्रों को की रोजगार परकता को दोगुना करना, भारत को एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना, फिर स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। तो ये कौन जारी करता है? नीति आयोग द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का पहला संस्करण फरवरी 2018 में जारी किया गया था। हाल ही में इसका दूसरा संस्करण जारी किया गया। इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से विकसित किया गया है। 25 जून 2019 को नीति आयोग द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया है। इस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 2 वर्षों की अवधि 16-17 और 17-18 के दौरान हुए वृद्धिशील सुधार एवं समग्र प्रदर्शन को मापने और उन पर विकास डालने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापने का एक वार्षिक सुव्यवस्थित साधन है। इस रिपोर्ट में समग्र प्रदर्शन के साथ स्वस्थ परिणामों में वर्ष दर वर्ष विद्यमान परिवर्तन के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग को बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ताकि एक जैसे निकायों के बीच तुलना सुनिश्चित की जा सके। बड़े राज्यों में केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र को समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष स्थान दी गई है, जबकि हरियाणा, राजस्थान, झारखंड वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। हरियाणा, राजस्थान, झारखंड ने विभिन्न संकेतकों के मामले में आधार से संदर्भ वर्ष तक स्वास्थ्य परिणामों में अधिकतम सुधार दर्शाया। छोटे राज्यों में बात करें तो समग्र प्रदर्शन के आधार पर मिजोरम को शीर्ष रैंकिंग में दी गई है, इसके बाद मणिपुर का स्थान आता है, जबकि वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर त्रिपुरा को शीर्ष रैंकिंग दी गई है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और दादरा और एवं नगर हवेली
समग्र प्रदर्शन चंडीगढ़ को एक और दादरा एवं नगर हवेली को दो के साथ साथ वार्षिक विद्युतशील प्रदर्शन दादरा एवं नगर हवेली को एक नंबर पर और चंडीगढ़ को दो नंबर पर रखा गया। ठीक है, फिर बात करते हैं हमें कालीस्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बारे में। ये गोदावरी नदी पर निर्मित कालीस्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की आधारशिला वर्ष 2016 में रखी गई। भारत की अग्रणी निर्माण कंपनी में से एक मेधा इंजीनियर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर इस परियोजना को तैयार किया है। 21 जून 2019 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में कालीस्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया था। याद रखना ये गोदावरी नदी पर है। यह परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले में स्थित है। यह परियोजना लगभग 80,190.46 करोड़ की लागत से मात्र 3 वर्ष में बनकर तैयार हुई है। इस मेगा प्रोजेक्ट से तेलंगाना का अधिकांश हिस्सा सिंचित क्षेत्र में आने के साथ ही आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जल संकट दूर हो सकेगा। इस परियोजना से तेलंगाना के करीमनगर, निजामाबाद जैसे 13 जिलों की लगभग 18,25,000 एकड़ कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना के तहत MEIL कंपनी ने विश्व के सबसे बड़े अंडरग्राउंड पंप हाउस का निर्माण किया है। क्षमता के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कही जाने वाली कालीस्वरम परियोजना न केवल तेलंगाना के लिए बल्कि संपूर्ण भारत के लिए भी आदर्श परियोजना है। बात करते हैं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। 18 जून 2019 को यूएन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा भारत के उन शीर्ष 10 राज्यों की सूची जारी की गई जहां लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन प्रमाणित इमारतों की संख्या सर्वाधिक है। लीड विश्व की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली हरित भवन रेटिंग प्रणाली है। यह इस सूची का दूसरा संस्करण है। यह सूची 31 दिसंबर 2018 तक लीड प्रमाणित भवन या स्थान की संचयी सकल वर्ग फुट के संदर्भ में राज्य को क्रमबद्ध करती है। इस सूची में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त है। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान का स्थान। इन राज्यों में पर्यावरण अनुकूल भवनों की संख्या अधिक है। अब बात करते हैं हम लोग नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है। तो अब कितनी पार्टियां हो गई? 8। 7 जून 2019 को भारत निर्वाचन आयोग ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है। नेशनल पीपुल्स पार्टी भारत का 8वां ऐसा दल है जिसे भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दल के रूप में सूचीबद्ध किया है। साथ ही पार्टी के अनुरोध पर पुस्तक की नेशनल पीपुल्स पार्टी के आरक्षित चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया है। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार नेशनल पीपुल्स पार्टी ने राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव चिन्ह आदेश आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 में उल्लिखित शर्तों में से एक को पूरा किया है। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक शर्त यह भी है कि उस दल को न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा हासिल हो। उल्लेखनीय है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी को 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय में राज्य स्तरीय दल का के रूप में मान्यता प्राप्त है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय। उल्लेखनीय है कि 17वीं लोकसभा के चुनाव में नेशनल
पीपल्स पार्टी ने एक सीट जीतने में सफल रही। मेघालय के तुका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी आगाथा संगमा विजयी हुए। नेशनल पीपल्स पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होने के उपरांत राष्ट्रीय दलों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। ये राष्ट्रीय दल इस प्रकार है: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नीति आयोग का पुनर्गठन। ठीक, कौन सी नीति आयोग का पुनर्गठन? नीति आयोग का पुनर्गठन देखिए। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग की स्थापना मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। 6 जून 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था का पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इसकी वर्तमान संरचना की बात करते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। पूर्णकालिक सदस्यों की बात करें तो इसमें श्री बी के सारस्वत हैं, फिर प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर पी के पॉल। पदेन सदस्यों की बात करें तो इसमें श्री राजनाथ सिंह हैं, श्री अमित शाह हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं, श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों की बात करें, श्री नितिन जयराम गडकरी हैं, श्री थावर चंद गहलोत हैं, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री राव इंद्रजीत सिंह हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बात करें तो श्री सीईओ हैं इसके, श्री अमिताभ कांत। अब आगे बात करते हैं गोल्डन लंगूर मनरेगा से प्रथम गैर मानव लाभार्थी है। सुनहरा या गोल्डन लंगूर भूटान एवं भारत असम में पाया जाता है। जाने वाला प्राइमेट है। इनकी संख्या घटती संख्या के कारण यह लंगूर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा रेड लिस्ट में संकटग्रस्त वर्ग में शामिल है। सॉरी, 5 जून 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के बोंगाई गांव जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक बेहद वृक्षारोपण परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य असम राज्य में पाए जाने वाले गोल्डन सुनहरे लंगूर को लाभान्वित करना एवं भोजन की तलाश के दौरान दुर्घटना से होने वाली इनकी मौतों में कमी लाना है। इस परियोजना के अंतर्गत बोंगाई गांव जिला स्थित काकोई जाना आरक्षित वन में जिला प्रशासन असम वन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत फलों के वृक्ष जैसे आम, अमरूद, जामुन आदि का वृक्षारोपण किया जाएगा। इस परियोजना से यह लाभ होगा कि गोल्डन लंगूर को खाने की तलाश में अपनी जान को जोखिम में डालकर वंश क्षेत्र से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही गोल्डन लंगूर मनरेगा के तहत लाभान्वित होने वाला प्रथम गैर मानव एवं प्राइमेट लाभार्थी बन गया, जिसे प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने हेतु मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे उपयोग योग्य भू जल भंडारण प्रथम अनुमान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर और अथावास्का विश्वविद्यालय कनाडा के एक दल ने यथास्थान और उपग्रह आधारित मापन प्रणाली
का उपयोग करते हुए भारत में राज्य स्तर पर उपयोग योग्य भूजल भंडारण के अनुमानों को पहली बार संकेत किया है। उपयोग योग्य भू जल भंडारण अनुमान वर्ष 2005 और 13 के बीच की अवधि के सके अनुमानों के अनुसार असम, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में उपयोग योग्य भू जल भंडारण में तेजी से कमी आई है। शोधकर्ताओं ने दक्षिण और पश्चिमी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ में उपयोग योग्य भू जल भंडारण की प्रवृत्तियों में काफी सुधार देखा है। असम जिसे जल संपन्न राज्य माना जाता था, अपने उपयोग योग्य भू जल संसाधन का 2% खो चुका है। हरियाणा जो 600 नवासी मिलीमीटर वार्षिक वर्षण प्राप्त करता है, उपयोग योग्य भू जल की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर है। यहाँ उपयोग योग्य भू जल का स्तर सर्वाधिक है, 3593 सेंटीमीटर। हिमाचल प्रदेश जहाँ वार्षिक वर्षण 1147 मिलीमीटर है, उपयोग योग्य भू जल भंडारण की दृष्टि से अंतिम स्थान पर। यहाँ उपयोग योग्य भू जल का स्तर सबसे कम 520 सेंटीमीटर। भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है, अतः अनुमानतः प्रति वर्ष 330 घन किलोमीटर भूजल का उपयोग करता है, जो कुल वैश्विक उपयोग का 1/4 से भी अधिक है। अब बात करते हैं आगे है पीएम किसान में विस्तार। पीएम किसान योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से की गई। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू मानी जाएगी तथा पात्र किसानों को लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से दे होगा। 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में व्यापक विस्तार को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस निर्णय के बाद अब सभी भूमि जोत वाले पात्र किसान परिवार इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि अभी तक ऐसे लघु एवं सीमांत कृषक परिवार ही इस योजना में शामिल होने के पात्र थे, जिनके पास सम्मिलित रूप से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व था। हालांकि वर्तमान निर्णय के तहत किसानों के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार अब संशोधित योजना लगभग 2 करोड़ और किसानों को आच्छादित करेगी। पीएम किसान योजना के दायरे में कुल 14.5 करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे। वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को पर कुल 87,217.50 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। इस योजना के तहत पात्र कृषक परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में 4 माह की 3 किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु उत्तरदायी होंगे। यह योजना 100% केंद्र पोषित योजना के रूप में लागू की गई है। योजना की निगरानी हेतु कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदा 2019। 31 मई 2019 को डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन राज्य मंत्री संजय सामराव धोत्रे के समकक्ष प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 एक भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके देश को एक न्याय संगत और जीवंत समाज में लगातार बदलने में योगदान देती है। इस मसौदे में शामिल कुछ सिफारिशें निम्नता है। वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना है। वर्ष 2025 तक
पांचवी कक्षा एवं उसके ऊपर उससे ऊपर के सभी विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान अर्जित कर सकें। वर्ष 2030 तक 3 से 18 वर्ष आयु के वर्ग सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की पहुंच एवं भागीदारी सुनिश्चित करना। वर्ष 2022 तक शिक्षाक्रम और शिक्षण शास्त्र के में आमूलचूल परिवर्तन करना ताकि रटने के प्रचलन को खत्म कर किया जा सके। उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करके देश भर में बहुअनुशासनात्मक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करना और वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को कम से कम 50% तक बढ़ाना है। केंद्र और राज्यों के बीच प्रयासों के समन्वय के लिए एक नए शीर्ष निकाय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। उच्च शिक्षा अनुसंधान क्षमता निर्मित करने के लिए तथा एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति के सृजन हेतु एक सर्वोच्च निकाय नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। व्यवसायिक शिक्षा सहित सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र नियामक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण होगा। भारत भारतीय और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने तथा पाली फारसी प्राकृत के लिए 3 नए राष्ट्रीय संस्थानों और एक भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान की स्थापना की सिफारिश की गई। 3 जून 2019 को नई शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का संशोधित मसौदा जारी किया है। इसमें गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य करने के विवादित प्रावधान को हटा दिया गया। चलिए दोस्तों, तो इसमें इतना ही देखते हैं हम लोग। अब आगे बात करेंगे हम लोग लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव 2019 में जो लोकसभा आम चुनाव हुए उन्हें देखेंगे। ठीक है।